शादे हाजिर हो खबर दिनभर में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ। रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। लखनऊ में सीएए प्रोटेस्ट को लेकर जुमे के बाद भी हाई अलर्ट जारी। 21 जिलों में इंटरनेट में सीएए प्रोटेस्ट को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। ड्रोन कैमरे से हो रही निगरानी। आजमगढ़ म्यूनिसिपैलिटी में बनेगा वेडिंग जोन। शहर भर में 11 क्षेत्रों के स्थान किए गए चिन्हित। बदायूं में वन वे होगा ट्रैफिक। बाराबंकी में साल 2010 से एक्टिव है पीएफआई। 150 सदस्य किए गए चिन्हित। अब हेडलाइंस उत्तराखंड की। अल्मोड़ा में अब ले सकेंगे टैक्सी बाइक का लुफ्त। चमोली में सीएए के समर्थन में लोगों से ने निकाला जुलूस। देहरादून में देर रात कार खाई में गिरने से दर्दनाक हादसा। दिल्ली के दो युवकों की मौत। हरिद्वार में जेल में पेड़ पर फंदा लटकाकर झूला। उम्र कैद की सजा काट रहा कैदी। नैनीताल में नए साल को लेकर कॉर्बेट लैंडस्केप में हाई अलर्ट जारी। सभी वनकर्मियों की छुट्टियां रद्द। अब खबरें विस्तार से। लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए के विरोध में 19 और 20 दिसंबर को हिंसात्मक प्रदर्शन के बाद आज एक बार फिर बवाल की संभावना पर प्रदेश में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में शुक्रवार को नमाज के बाद सभी संवेदनशील स्थानों पर कड़ा सुरक्षा घेरा रहेगा और शासन के मुताबिक फिलहाल हालात सामान्य हैं। धारा 144 लगी हुई है लेकिन एहतियात बरतते जा रहे हैं ताकि कोई दोबारा से हिंसक प्रदर्शन न कर सके। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हुई हिंसा के बाद अब प्रदेश में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और आज जुमे की नमाज के बाद एक बार फिर से वही बवाल की संभावना को देखते हुए संवेदनशील जिलों में प्रशासन ने पहले से ही एहतियातन इंटरनेट बंद करने का ऐलान कर दिया था। कुछ जिलों में इंटरनेट बंद है और जिसमें सहारनपुर, मेरठ, आगरा, बुलंदशहर, गाजियाबाद और बिजनौर है। और राज्य प्रशासन ने सभी जिलों के डीएम को ये छूट दे रखी है कि अगर मामला संवेदनशील और सांप्रदायिक तनाव की संभावना होता है तो एहतियात के तौर पर अपने इलाके में इंटरनेट को बंद करा सके। शामली, बुलंदशहर, आगरा, संभल, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद, मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, अलीगढ़, सीतापुर में अगले आदेश तक के लिए इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगरा में भी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर गर्माए माहौल के बाद शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष तैयारी की थी। शहर में सेक्टर स्कीम लागू करके पुलिस फोर्स तैनात किया गया था। ड्रोन कैमरे से पुलिस सभी मिश्रित आबादी वाले इलाकों में निगरानी कर रही थी और कर रही है। रात से ही अधिकारियों ने सभी इलाकों में मार्च शुरू कर दिया था। दोपहर 2 बजे तक आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, एटा, मैनपुरी और कासगंज में हालात सामान्य दिखे। वहीं पुलिस फोर्स सभी जिलों में चौकन्ना है और नागरिकता कानून को लेकर पिछले सप्ताह जुमा की नमाज के दिन विशेष सतर्कता थी और शहरवासियों ने भी शांति का संदेश दिया। इस बार जुमा की नमाज शांति से कराने को फिर पुलिस ने विशेष तैयारी की और शांति व्यवस्था बनाए रखने को शहर को 15 सेक्टर और 6 जोन में बांटा गया। हर सेक्टर और जोन में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनात की गई थी और वहीं शहर में करीब 108 स्थानों पर पुलिस की ड्यूटी लगाई गई और 50 स्थानों पर रूफ टॉप यानी कि छतों पर ड्यूटी लगाई गई। शहर के सभी मिश्रित आबादी वाले इलाकों में पुलिस ड्रोन कैमरों से निगरानी कर रही थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आजमगढ़ में आए दिन लगने वाले जाम और होने वाले दुर्घटनाओं से निजात को प्रशासन ने नई पहल की है। अब नगर पालिका क्षेत्र में पटरी कारोबारियों के लिए वेडिंग जोन बनाया जाएगा। इसके लिए 11 स्थानों को चिन्हित कर लिया गया है। केजीएस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कार्यदायी संस्था होगा और डूडा के परियोजना अधिकारी योजना का खाका तैयार कर रहे हैं। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह की अनुमति के बाद यहां निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। शहर के नरौली रोडवेज, कलेक्ट्रेट कचहरी और बड़ादेव और मातबगंज चौक, पुरानी सब्जी मंडी, दलालघाट, तकिया, आसिफगंज कोर्ट, जालंधरी शिल्बी कॉलेज और ब्रह्मास्थान, पांडे बाजार, मुकेरीगंज, पहाड़पुर, तिराहा पर आए दिन जाम से शहरवासियों को जूझना पड़ता है। सड़क किनारे पटरियों पर लगने वाले दुकानों में इसकी झलक देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बदायूं में जाम से जूझ रहे शहर में अब वन वे ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाई जाएगी। इसकी शुरुआत लावेला चौक से की जाएगी और लावेला चौक से पुरानी चुंगी की ओर जाने वाले रोड को वन वे किया जाएगा। शहबाजपुर चौराहे से ट्रैफिक अपनी अपनी राह पर निकाला जाएगा और इसी तरह से उधर से आने वाले वाहन सुभाष चौक होते हुए लावेला चौक पहुंचेंगे। सिटी मजिस्ट्रेट अमित कुमार ने वन वे ट्रैफिक का प्लान तैयार किया है और इस प्लान से प्रथम चरण में ही आधे से ज्यादा शहर में सुधार दिखाई देगा।
शहर में कोई यातायात प्लान न होने के कारण जाम की समस्या दिन भर बनी रहती है और इस वजह से दिन भर राहगीर परेशान रहते हैं। जाम की समस्या दूर कराने को कई बार जिम्मेदारों ने दावे तो किए लेकिन सुधार नहीं हो सका। सड़कों पर मौजूद अतिक्रमण भी जाम की बड़ी वजह बताई जा रही है और अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता है तो कुछ समय के लिए यहां यातायात व्यवस्था बेहतर हो जाती है लेकिन कुछ दिन में ही यहां फिर से पुराने हालात देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाराबंकी में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन हुआ था जिसकी जांच पुलिस लगातार कर रही है। बता दें कि लखनऊ में हिंसा भड़काने में पॉपुलर फ्रंट इंडिया नाम से संगठन का नाम सामने आया है। माहौल बिगाड़ने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के गिरफ्तार सदस्यों में दो बाराबंकी जनपद के हैं। उपद्रव को भड़काने को लेकर चर्चा में आए पीएफआई के पदाधिकारियों और सदस्य अब पुलिस की रडार पर हैं। शासन के निर्देश पर बाराबंकी जनपद में सक्रिय संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों की खोज और चिन्हितकरण शुरू हो गई है। अब तक कुल 150 पीएफआई सदस्यों को चिन्हित कर लिया गया है। दरअसल पीएफआई संगठन बाराबंकी में साल 2010 से सक्रिय है। अक्सर उक्त संगठन द्वारा पोस्टर चस्पा कर माहौल बिगाड़ने का काम किया गया और इसी को लेकर साल 2010 में उक्त संगठन की भड़काऊ गतिविधियों के कारण 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। अब खबरें उत्तराखंड की। अल्मोड़ा में पहली बार टैक्सी बाइक दौड़ी। सुप्रसिद्ध कसार देवी में विधानसभा उपाध्यक्ष अमरनाथ सिंह चौहान और डीएम नितिन भदौरिया और ने पहले चरण में 7 बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कसार देवी क्षेत्र से गुरुवार को टैक्सी बाइक के संचालन का श्री गणेश हुआ। विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा ऐसे अभी अभिनव प्रयोगों को रोजगार देने का अवसर पैदा होता है और पलायन रोकने में मदद भी मिलेगी और चौहान ने कहा कि इससे सैलानियों को पर्यटन स्थल कसार देवी तक पहुंचने में आसानी होगी। प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। स्थानीय लोग इसका लाभ उठा सके और स्वरोजगार से जुड़ने का प्रयास करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चमोली में भारतीय जनता पार्टी ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में नगर में जुलूस निकाला। डिग्री कॉलेज के निकट शगुन वेडिंग पॉइंट से ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला गया और यह जुलूस बस स्टेशन से गोपीनाथ मंदिर और नगर के सभी मार्गों पर निकाला गया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून से ऐसे लोगों को भारतीय नागरिकता का लाभ मिलेगा जो सालों से यहीं रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है और इस मौके पर भाजपा के प्रदेश मंत्री और देवरा के विधायक विनोद कंडारी, भाजपा जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह बिष्ट, अनुसुईया प्रसाद भट्ट, प्रेम भल्लभ बपट और डिप्टी डीपी पुरोहित टीका प्रसाद मुखेरी समेत कई भाजपाई शामिल थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून में गुरुवार को देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। अलमस नगरून और भवान मार्ग पर बांसी बैंड के पास एक यूपी नंबर UP85BL6881 को होंडा सिटी कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के अनुसार घटना देर रात की होने की के कारण पता चला है और तरयूर क्षेत्र की 108 एम्बुलेंस किसी मरीज को हायर सेंटर छोड़कर रात करीब 12:30 बजे वापस लौट रही थी तभी बांसी बैंड के पास उन्हें खाई में कुछ लाइट जल दिखाई दी और यह हादसा हो गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार जिला जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। बंदी रक्षकों ने उसे बचा लिया लेकिन कैदी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार दूसरे कैदियों के उत्पीड़न से परेशान होकर कैदी ने आत्महत्या करना चाहा था। घटना गुरुवार की है और हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी सुशील गुज्जर पुत्र महेंद्र निवासी हरिद्वार ने जेल परिसर में पेड़ पर रस्सी के फंदे के सहारे लटक कर आत्महत्या करनी चाहिए लेकिन एक कैदी की उस पर निगाह पड़ गई और उसने उसे बचा लिया। जिला अस्पताल में भर्ती कैदी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है और जेल अधीक्षक अशोक कुमार से जब इस बाबत पूछा गया तो उनका कहना था कि कैदी अक्सर इस तरह के काम करता रहता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नए साल के स्वागत में होने वाले आयोजनों को लेकर कॉर्बेट लैंडस्केप में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सभी वन कर्मियों की छुट्टियां रद्द करते हुए सतर्कता बरतने के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक आने जाने वाली गाड़ियों को वन चौकियों पर बिना चेकिंग नहीं जाने देने को कहा गया है। रेंजरों ने अपने अपने क्षेत्रों में तैनात रहने को कहा गया है और जश्न के दौरान शिकारियों और बावरिया गिरोह के कॉर्बेट लैंडस्केप में दाखिल होने की आशंका है। शिकारी कड़के और फंदा लगाकर वन्य जीवों का शिकार करते हैं। कॉर्बेट के बिजरानी झिरना कालागढ़ क्षेत्र में घुसपैठ की सर्वाधिक आशंका है और ऐसे में सीटीआर प्रशासन ने सभी वनकर्मियों को अलर्ट कर दिया है। संदिग्ध गतिविधि की जानकारी देने के साथ पूछताछ करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं।
तो ये थी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें। सही खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज यूपी उत्तराखंड। फॉलो करें हमें फेसबुक पर, डाउनलोड करें हमारा ऐप एंड वाई ट्रिपल ओ जेड न्यूज ऐप।